और यहाँ पे जो है राशिद अली मीनाई साहब हों, सऊद रईस साहब हों, सदिया बाजी हों या हमारे आसिफ हनीस साहब हों, और इसी तरीके से हमारे सिविल डिफेंस के इतने जिम्मेदार शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है कि तमाम हजरात वो हैं जो कि अपने अपने फील्ड में बड़े पैमाने पर आवाम की बगैर किसी तासुब के खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक पर हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए यह क्लिनिक और हम दोनों आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। 15 अगस्त 2019 को डॉक्टर उमंग खन्ना क्लिनिक पर हुए सफल कार्यक्रम में, जिसमें कि स्वास्थ्य के विषय में जनमानस को जागरूक कराया गया, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया गया, 7 लाख मूल्य की दवा का मुफ्त वितरण किया गया जो कि जरूरतमंदों में दी गई, और जांचों का कैंप का आयोजन बहुत ही कम दरों पे किया गया। यौम आज़ादी के रूप में मनाए गए इस 15 अगस्त के कार्यक्रम के आप सब शरीक हुए, और आपके शरीक होने से पूरे समाज का, पूरे उस जनता का हौसला बढ़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने हम सब के अजीज मौलाना खालिद रशीद साहब फरंगमैली साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करा, हमारा हौसला बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हसीब हाशमी साहब का, जिन्होंने 300 प्रोटीनेक्स के डब्बे इस क्लिनिक में मुफ्त वितरण के लिए दिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्याम इंसानियत ग्रुप का, जिन्होंने, यह नदवा से जुड़ी संस्था है, सिराज भाई के माध्यम से आप लोगों ने 1000 लंच के पैकेट इस क्लिनिक पे मुफ्त वितरित किए। आमिर हनीफ साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 1000 नारियल पानी की बोतल इस क्लिनिक पर इस कार्यक्रम के लिए मुफ्त में प्रदान करी जो कि यहाँ की जनता को बटी। 100 लंच पैकेट जरूरतमंदों को इस क्लिनिक के माध्यम से दिए गए। क्लिनिक में हर साल की भांति श्री हरिश्चंद्र कर्मठता सम्मान का भी आयोजन हुआ, जिसमें कि समाज में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करा गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। हम सब के संरक्षक क्षेत्रीय विधायक जी ने जो है यह कार्यक्रम का, जो सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने इस कार्यक्रम में शरीक होकर अपने उद्बोधन से जनता को सही दिशा प्रदान करी। कार्यक्रम के संयोजक श्री अनुराग मिश्रा जी रहे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में आने वाली छोटी छोटी कमियों को ख़त्म करके कार्यक्रम को एक लड़ी में परोके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे ऋतुराज रस्तु जी इस कार्यक्रम के पूरी व्यवस्था करता रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था करी। अफजाल अहमद हाशमी साहब हमारे इस कार्यक्रम को हर तरफ से वॉलेंटियर के रूप में हर तरफ से इस कार्यक्रम को पैचअप करते रहे। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं, और तमाम अपने साथी जैसा आपने छाया चित्र में देखा हमारे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मदद करी। कार्यक्रम में डॉक्टर अली अब्बास मेहदी साहब, डॉक्टर भास्कर साहब, डॉक्टर आबिद अली साहब, डॉक्टर हसीब हाशमी साहब जैसे तमाम पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग ने अपने उद्बोधन से जनता को सही दिशा दी। आप सब इस कार्यक्रम में आए, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, और हर साल आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में अवश्य शरीक हों, क्योंकि यह कार्यक्रम किसी निजी लाभ के लिए ना होके यह कार्यक्रम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगले 10 साल में सबसे बड़ी आने वाली समस्या स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में जो अगले 10 वर्ष में आने वाली है। और एक मैं आगाह भी करना चाहूँगा आपको इस मैसेज के माध्यम से, हमारे क्लिनिक में 200 लोगों का जो है ब्लड शुगर की जांच हुई, और 200 में से HbA1c की जांच में 160 लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक निकले। तो डायबिटीज़ इतनी बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की, आपको अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप कोशिश करें आपको ना हो, उसके लिए आप हर ज़रूरी प्रयास करें, अगर डायबिटीज़ है तो भी उसको ठीक रखने का प्रयास करें। यह एक तथ्य इस कार्यक्रम से निकल कर आया। कार्यक्रम की एक बहुत अच्छी बात यह रही साथियों कि ये जश्न के रूप में मनाया गया, स्वास्थ्य का कार्यक्रम और वो जश्न के रूप में मनाया जाए, ऐसा आप जल्दी नहीं देखेंगे। आपके क्लिनिक पर ऐसा ही हुआ।
वो काम ना करेंगे जो तेरे पहले वतन के हाथ में ऊपर चमे अमन मादरे वतन गंगो जमन का जमान वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक से मोहब्बत आता है ईमान वतन वतन अपने लहू से हम तुझे दुल्हन बनाएंगे अपने लहू से हम तुझे दुल्हन बनाएंगे तेरी रिदा के वास्ते तारों बुलाएंगे तारों बुलाएंगे हमारे लहू में मौजूद वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देंगे आज कोई तेरी शान पे तिरंगा आने न देंगे आज कोई तेरी शान पे आने न देंगे आज कोई तेरी शान पे मर जाएंगे मिट जाएंगे हम तेरी शान पे तेरी शान पे पहले अरे जनू ने बांध लिया सर से हम तो वाह 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 मादरे वतन मेरी मादरे वतन बुलाए इत्तेहाद से बुलाए इत्तेहाद से मर गए तेरा दम वो हिंदुस्तानी है मुसलमान नहीं थे बाद में जो सियासी लोग थे उन्होंने जमीन का तकसीम किया जमीन का तकसीम करने वाले अशफाकुल्लाह खान नहीं थे राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे सरदार भगत सिंह नहीं थे चंद्रशेखर आजाद नहीं थे कुर्बानी एक ऐसा मुल्क देना जहाँ पे इंसान को बराबरी का हकूक मिले बराबरी का एक हिंदुस्तान हो जहाँ पर अमीर और गरीब में कोई जुल्म मुसाती ना हो लेकिन बाद के लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो जमीन का बंटवारा किया उस बंटवारे को तो हम याद रखते हैं हम जाति के आधार पर धर्म के आधार पर बंटवारे को याद रखते हैं लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी उसको हम क्यों भूल जाते हैं वो क्या बहुत बड़ी चीज नहीं थी तो हमें याद करना चाहिए इस बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपकी बातें हमें तो याद रहेंगी अब मैं चाहूंगा हैदर साहब अपनी बात से हम लोग को रोशनी डालें और मौलाना साहब आगे हम लोग को कैसे जीवन बिताना है कैसे उसको आगे बढ़ाना है मौलाना साहब हम लोग को दिशा दें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलशन हमारा मजहब नहीं सिखाता हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा मैं यहाँ पर
सभी हजरात जो बच्चे थे जो मौजूद हैं शुक्रिया अदा करते हुए उनका इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ डॉक्टर मनोज खन्ना साहब के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। इस तरफ से वो इस प्रोग्राम में मुख्यतः यहाँ पर जो करते हैं, जैसे मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं, उससे बड़ी ताकत मिलती है, हम लोगों को बहुत धारस मिलती है कि हिंदुस्तान में आज भी इस फीलिंग के लोग, इस मिजाज के लोग हैं जो इंसानियत का एक नमूना पेश करते हुए सब एक हैं। मैं डॉक्टर मंगना हमारे मोहतरम असद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत लंबी चौड़ी तफरी का नाम नहीं है। सबसे पहले मैं एक मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ कि मजहब बाद में इंसान पहले पहले यहाँ पर 7 लाख रुपए की दवा का निःशुल्क वितरण चल रहा है और मैं आपको कुछ नहीं दे पाता। आप लोग साथ में मेरा जीवन चलाते हैं, मेरा घर चलाते हैं। छोटा मैं स्तुति करना जी से कहूंगा कि राम प्रधान को बजा के हम सब का हौसला। तो दवाई और डायग्नोसिस तो सरकार बना दे रही है, दवाई भी दे रही है, जांच भी हो जा रही है, मगर उनको जो प्यार मोहब्बत मिलनी चाहिए तो इसका एक जो स्टिग्मा खत्म हो जाए कि इसके प्रति जागरूकता हो, जनता लोग इलाज करें, तो ये बहुत बड़ी बात कही। जो बड़े स्तर से देखिए सुधार और बुराई दोनों नहीं आ पा रहा है, ये सच्चाई है। ऊपर सब सही होगा तो नीचे अपने आप को बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, हम सबके उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग अपने जिम्मेदारी को महसूस करें। इनको बहुत बहुत बधाई देता है, मेरी शुभकामनाएं है। समाज की सेवा में, गरीबों की सेवा में, पीड़ितों की सेवा में, शोषितों और दलितों की सेवा में उत्साहपूर्वक काम करते रहे, क्योंकि अच्छी बात करने वालों की समाज में बहुत कमी है। मेरा यह अनुभव है, बड़ी बड़ी दुकानें खोल करके और लंबी लंबी फीस ले रखे तो सभी लोग करते, लेकिन 7 लाख रुपए की दवा एक लोग को काम देना ये बहुत ही हिम्मत का काम है। तो ईश्वर सही करता होता जो उनकी फ्यूचर को दिशा को उनकी सामर्थ्य को वो बढ़ाता है और वो इसी तरीके से सारे समाज को साथ दे करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहे उन्नति, उनके उन्नति, उनकी प्रगति। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे बहुत खुश होता हूँ। Thank you.
जो कि शायद उनके पहले या उनके बाद राजनीति के क्षेत्र में इतना निष्कलंक, निष्कपट और इतना ईमानदार व्यक्ति तो ना हुआ है ना होगा, ये बात मैं नहीं कह सकता। और उनके हाथ से इस कार्यक्रम में दवा वितरण कराना उमंग जी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस जीवन में आपको बहुत बड़े नेता मिल जाएंगे, बहुत बड़े अधिकारी मिल जाएंगे, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। और सुरेश जी अदानी हमारे उसके पर्यायवाची हैं, तो उनके हाथ से किसी कार्य का शुभारंभ हो उसमें कहने सुनने की कोई चीज रह नहीं जाती। जो उन्होंने कह दिया वही बहुत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्र दिवस ने बढ़ा है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक नया चीज आमिर भाई आप लोगों के लिए लाए हैं, आमिर भाई स्वयं उसको बोल दे सबको, नारियल पानी, पैस्टराइज नारियल पानी, इसमें कोई इंग्रीडियंट नहीं है, सबको बोल बोल के भैया भैया एनर्जी। स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उमंग से मना रहा है, उमंग जी ने उसमें और उमंग लगा दी है। और उमंग जी हमेशा बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही पैशनेटली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के दिन ये दवा वितरण का जो है बहुत बड़ा काम है, बधाई दी जाए इसका काम है। भारत आज अपनी स्वतंत्रता दिवस पिछले 73 सालों में भारत ने बहुत प्रगति की है, हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसपे हमको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी हमेशा कहता हूँ दो चीजें हैं, एक तो जनसंख्या की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे हम लोग कभी अपना फाउंडेशन को एज अ लाइब्रेरी लेके चल रहे हैं, उसको एसेट के तौर पर यूज करना चाहिए, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको पॉजिटिवली यूज करें और देश उसी में गामजन है, आगे बढ़ रहा है इस चीज में। और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि देशभक्ति बहुत ज्यादा हो रही है, मगर देशभक्ति सबसे ज्यादा जो जरूरत है देशभक्ति की, जो भी आप काम कर रहे हैं जैसे कानून की काम कर रहे हैं, वो लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करें, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टीचर हो, और यही सबसे बड़ा देश के लिए प्रेम होगा। और यही सबसे बड़ा, क्योंकि अगर देखिए आज जो है टेररिस्ट जरूर एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए खतरा है, मगर उससे बड़ा खतरा हमारे अंदर जो टेररिस्ट है, जो हर चीज में मिलावट करते हैं, चाहे दूध है, चाहे मिठाई है, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। उससे अगर नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो मैं माननीय विधायक जी से यही निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में भी थोड़ा सरकार की तरफ का ध्यान आकर्षित करें कि जो हर चीज में आज के दौर में हमें मिलावट हो रही है, इससे भी हमें ऊपर निकलना चाहिए। और इससे एक लोग देखिए, हम लोगों का जो सेहत खराब हो रही है, आज लाभ देखिए कैंसर है, इस टाइप की बीमारियां बहुत होती है, सब इसलिए है कि हर चीज में मिलावट है। थोड़े से फायदे के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, वो बहुत ही, मैं उसको सबसे बड़ा देश हूँ आने पर, सबसे बड़ा देश हूँ आने पर होगा मिलावट करते हैं चीज के अंदर। और उससे न सिर्फ किसी ने अभी फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, व्हाट्सएप पे आया था, दूध वाले भैया भले ही आप दूध में पानी मिला लीजिए, मगर उनको केमिकल्स ना मिला दीजिए जिससे जिससे जो है मासूम बच्चे जो पीते हैं उनको नुकसान लगा हो, और वो न सिर्फ के आपकी फ्यूचर जनरेशन तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बस आज के दिन हम अगर सब लोग ये अहद कर लें कि अपने देश के लिए सच्चाई से, ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हैं वो करें, तो इससे बड़ा देश प्रेम कोई और नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, जैसे पिछले 73 साल में कर रहा है, और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत खुशी का, मतलब शायद जीत हार तो उस टाइम मैंने उसी टाइम पे जीत गई थी कि लोगों का इतना प्यार मिला है। और शायद मेरे ख्याल से सारे एजेंट भी यही चीज़ कहते हैं। पहली बार मैंने भी देखा वोटिंग लाइन को औरतों की भीड़ लगी थी, जनरली औरतें नहीं निकलती है, लेकिन औरतें पूरे पूरे घर से निकली थी, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप कितना आगे अभी जाएंगे, और इस क्लिनिक की दुआएं हैं कि आप मकसद में कामयाब होंगे और बहुत आगे जाएंगे। एक दिन आप देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे, ये क्लिनिक आपसे दुआ करता है, इसलिए दुआ करता है। अपने सलमान भाई जो कि हमारे हीरो हैं, हीरो है सलमान भाई जो है, कितने लोगों को मतलब कोई पंखे वाला पहुंच जाए तो उसे दिन चरण मिट्टी के नीचे उसका पंखा निकल पा जाएगा, ये उस तरह के व्यक्ति हैं। मैं चाहूंगा कि आजाद हफीज भाई जो हम लोगों के इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, वह सलमान भाई को एक पौधा जिसमें जड़े भी हैं, ये केवल लड़ी नहीं है, इसको जो है वो पौधा देके आजाद भाई एक ये सबको बांधने का प्रयास है। इसमें हो सकता है कोई त्रुटि हो सकता है कोई, डॉक्टर भास्कर मौजूद है, सैयद भविष्य के लिए या 40 रुपए व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये इंडिकेशन आपकी तरफ से हो गया है। ये होता है। हेलो, ये सर फ्रेंच काउंसलिंग के आप अधिकारी हैं, फ्रेंच काउंसलिंग में आप बैठेंगे, आप अपनी चीज हमेशा हर कोई मुशायरा हो कुछ हो, आप जो है जरूर बैठे होते लेने के लिए और समझने के लिए। और ये सुराज रस्तोगी जी जो हर अधिकारी के पसंद है, लग रही है ये बात, और मेरे ये संकट मोचक है, संकट मोचक के रूप में जब 14 साल बाद वो अयोध्या तशरीफ आए तो उनका इस्तकबाल इस तरह से किया गया, उनका सैनिटी शक्ति राजा रामचंद्र जी ने खुश होके ये नौफा अब लखनऊ कहते हैं, लक्ष्मण जी इसको लखनपुर भी कहलाया, लक्ष्मणपुरी भी कहलाया, लखनऊ भी कहा गया, और ये लखनऊ कब हो गया इसकी कोई हिस्ट्री नहीं। अकबर आजम ने राजा टोडरमल जो कि सीतापुर के कस्बे तहपुर के रहने वाले थे और उनके नौरथ में से एक थे, उनको यह असाइनमेंट दिया कि हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम किया जाए, और उसमें अवध का एक बहुत बड़ा सूबा था जिसकी 3 बाउंड्रीज नेपाल से मिलती है, वेस्टर्न साइड में गंगा के किस किनारे था। अवध संस्कृत लफ्ज से लिया गया है, वक्त यानी डिस्ट्रक्शन,
अवध विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर जो एक्सकेवेशन किए गए तो यहाँ 3,500 साल पुराने एक्सकेवेशन मिलते हैं। और ये जो आपका लक्ष्मण टीला है, जहाँ टीले वाली मस्जिद है, यहाँ शाहपीर मोहम्मद साहब का आस्थाना है, यहाँ आलमगीरी मॉस्क है, यह वो मकाम था जहाँ से आबादी शुरू हुई। क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो भोपाल के किनारे है, एक हिलक के ऊपर है। जो जो ताकतवर रेसेस आती रही वो अपने से कमजोरों पर डिस्प्लेस करती गई, और यहाँ तक के मुगल्स का जमाना आ गया। अकबर आजम ने जब यह अवध कायम किया, यहाँ के पहले सूबेदार जो थे वो शेख अब्दुल रहीम थे, जिनका निजाम महल जो नादानी से नादान महल कहलाने लगा, वहाँ उनका लाल पत्थर का मकबरा है। एंड दैट इज ओनली द रेड स्टोन बिल्डिंग इन लखनऊ। अकबर के जमाने का यहाँ बैरिकेड भी है जो कि चौक में है। वक्त गुजरता रहा तो यहाँ तक कि ये शेखजादे हैड बिकम वेरी पावरफुल, दे हैड बिकम ऑटोक्रेटिक, एंड दे हैड स्टॉप सेंडिंग अवध रेवेन्यू टू द ब्रिटिश टेरिटरी, टू द मुगल टेरिटरी। तो जाहिर है कि सूबेदार गवर्नर चेंज करने की जरूरत पड़ी। मोहम्मद शाह रंगीले के जमाने में नवाब सादत खान बुरहानुल मुल्क, जो कि एक नशापुरी सैयद थे, सातवें इमाम इमाम मुसी कादिम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, उनकी नस्ल से थे, उनको यहाँ भेजा कि आप शहजादों से ये हुकूमत लें। पहले वो फैजाबाद आए जिसको बंगला कहते हैं, फैजाबाद नॉर्थ दौला ने नाम रखा। वहाँ उन्होंने क्याम किया, वहाँ कच्ची आराजियाँ बनवाई, और वह इतनी वसी थी कि पूरी पूरी फौजें उसमें समा जाए। फिर उन्होंने इतने खुफिया तौर से लखनऊ का हिसार किया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड के शेखजादों को फतह करना चाहिए। और जब ये कश्ती के जरिए दरियाए गोमती से तशरीफ ला रहे थे, तो इत्तेफाकन एक मछली उछल कर इनकी आगोश में आ गई, जो कि एक बहुत अच्छा शगुन माना गया, क्योंकि मछली हिंदुस्तान में और ईरान में बहुत एक शगुन की शय मानी जाती है। यही वजह है कि दही मछली, हम लोगों का एक मुहावरा भी है, जब कहीं जाने लगते हैं कहते हैं दही मछली। जब शादी और ब्याह होते हैं तो बंदरवाह में भी वो मछलियाँ बांधी जाती हैं। साचक की वो जो एक रस्म होती है, और साचक की मच्छी होती है, उसमें भी ज़्यादा मछलियाँ भी डाली जाती हैं, और उसकी गर्दन पर चांदी या सोने की या जमीन मछलियाँ और पान के पत्ते बांधे जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, नवाब आसफुद्दौला का दौर आया। 1775 में नवाब आसफुद्दौला अवध के चौथे नवाब हुए, और फैजाबाद से उन्होंने अपना कैपिटल लखनऊ बनाया। ये वो जमाना था कि जब लखनऊ बहुत ज़्यादा आबाद नहीं था, यहाँ पर बहुत मामूली आबादी थी। उस जमाने में दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो रही थी, अंग्रेज ताकतवर हो रहे थे, और दिल्ली में जो माहरीन फ़नून लतीफ़ा थे, जो पेंटर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, शायर थे, म्यूजिशंस थे, डांसर्स थे, जो और मुख्तलिफ फ़नून के माहरीन थे, वो अपनी जगह पर इस परेशानी में थे कि अब वहाँ उनकी सरपरस्ती कौन करेगा, उनको पेटनाइज कौन करेगा, वो कहाँ जाएंगे, और उनके हुनर अफाक के हाथ कौन करेगा। नवाब आसफुद्दौला बहादुर ने उनको दावतनामे भेजे, और खिंच खिंच के लोग जो थे वो लखनऊ आने लगे, और लखनऊ बहुत तेज़ी से पनपने लगा, और यहाँ डेवलपमेंट होने लगा। नवाब आसफुद्दौला बहादुर ने आसफी मकबरा बनवाया। पता थे जो कि ये ईटा वगैरह नगर को ढोते थे, इनकी रोशनी में उनकी तोहीन होती, लेकिन वो मुफ्त का पैसा भी नहीं चाहते थे, अपनी मेहनत की कमाई का और पसीने का पैसा चाहते थे। नवाब आसफुद्दौला ने उनके लिए एक ये पहलू निकाला कि जितना भी कंस्ट्रक्शन दिन में होता था, 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन वॉज डिसमेंटल्ड बाय दोज रिस्पेक्टेबल पीपल, जिनको उसकी कुदरत दी जाती थी। और इसकी एक और वजह यह थी कि ताबीर में ताफीर होती रहे, और जब तक ये ठहर रहे तो लोगों को रोजी और रोटी मिलती रहे।
लोग कहते थे कि जिनको ना देंगे मौला उनको देंगे नवाब आसिम द्वारा, वो ये फरमाते थे कि ये ना कहो, वो ये फरमाते थे कि जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिम द्वारा, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देगा आसिम द्वारा। यहाँ तक के बाड़े की तमीर हुई, वक्त गुजरता रहा, नवाब वाहिद अली शाह का दौर आया। 25 साल की उम्र में नवाब वाहिद अली शाह बहादुर अवध के आखिरी कागजात थे और उनको अंग्रेजों ने बदनाम किया। ही वॉज अ वेरी वर्सटाइल कैरेक्टर, 13 जबानें जानते थे, उन्होंने 105 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर किताबें लिखी और बहुत ही मोमिन इंसान थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके साथ साजिश ये की, उनको डिवॉर्स दिखाया, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन किया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेजेंट किया कि ये नाच रंग में डूबे रहते हैं, ये कनकप्पा उड़ाते हैं, ये कबूतर उड़ाते हैं, ये इत्र लगाते हैं और ये अम और अमान कायम नहीं रख सकते, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके बस की बात नहीं है, लिहाजा इनको डिपोज कर दिया जाए और अवध को अनेक्स कर दिया। लॉर्ड डलहौज़ी वाज़ द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, ही सेंट जनरल जेम्स वुड्रो एज द रेजिडेंट ऑफ अवध विद द ट्रीटी अनेक्स अवध एंड डिपोज नवाब वाहिद अली शाह, एंड द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी वाज दैट नवाब वाहिद अली शाह वुड रिमेन द किंग बट द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इनके सामने ये ट्रीटी रखी गई, इन्होंने उसको दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उन्होंने फरमाया कि आप हमारा तख्त ताज ले सकते हैं लेकिन हमारी दस्तखत नहीं ले सकते, हम ये गवारा नहीं करेंगे कि हम नाम के बादशाह हों और आपके हाथों हमारी रियाया जो है वो होते हैं। अब जेम्स वुड्रो ने नवाब अली नकवी खां के जरिए मलिक आलिया के पास उनको ले गए और 1 लाख रुपये की उनको ब्राइब करने की कोशिश की कि वो नवाब वाहिद अली शाह से उस ट्रीटी पर दस्तखत करवा दें। मलिक आलिया ने जेम्स वुड्रो से पूछा कि आप कौन, उन्होंने कहा कंपनी के मुलाजिम। उनका कंपनी क्या है, उन्होंने कहा मलका के मुलाजिम। उन्होंने कहा हमारा बेटा बादशाह है, तो सिर्फ खुदावंद आलम को या मलका को मध्य है, आप कौन, उन्होंने भी इनको ठुकरा दिया। बहरहाल नवाब वाहिद अली शाह एक ऐसे इंसान थे कि जो अपनी फौजों को ट्रेनिंग दे रहे थे, 6-6 घंटे और 7-7 घंटे ये अपनी फौजों को ट्रेन कर रहे थे, हकीमों के ज़रिए से मलिक आलिया को ये कहलवाया गया कि अगर ये इतनी मेहनत करेंगे तो इनकी सेहत पर बन जाएगी और ये फौज भी हो सकते हैं, उन्होंने फसमें दी। नवाब वाहिद अली शाह ने अपने फौजियों से ये फरमाया था कि अगर हमारी फौज में कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसकी फजर की यानी सुबह की नमाज कज़ा नहीं हुई होगी, हम उसको अपनी फौज का सिपहसालार बनाएंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं था, खुदा बंदे आलम को हाजिर रखकर इन्होंने फरमाया कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसकी कभी सुबह की नमाज कज़ा नहीं हुई है, लिहाजा मैं सिपहसालार ही हूँ। नवाब वाहिद अली शाह ने बहुत से कल्चरल पहलू यहाँ के ऊपर जो तहजीब है वो दी, और ख़ास तौर से आप इसकी तरफ इशारा कर रहे थे आदाब, अदब और आदाब, ये लखनऊ में आदाब राइज है, ये नवाब वाहिद अली शाह की ईजाद है, ये उनकी देन है। एंड ही गेव अ सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैनिटेशन टू द सोसाइटी। उस जमाने में अगर मुसलमान हैं तो उनका अस्सलाम अलैकुम, उनका वालेकुम अस्सलाम, उनका नमस्कार, जैसिया राम, राधे राम, दैट वॉज ऑल्सो अ सैल्यूटेशन। लेकिन इनसे ये जाहिर होता था कि बड़ा शख्स बड़ा खास मदद से जुड़ा हुआ है। नवाब वाहिद अली शाह ने माशरे में इंसान को मजहब से जुदा किया और अदब से जुदा। अदब मीन्स रिस्पेक्ट, आदाब इज द प्लूरल ऑफ अदब, दैट इज रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। उन्होंने सोसाइटी को एक सेक्युलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन दिया जो कि आदाब की शक्ल में राइज हुआ, और यूनेस्को ने उसको इतना पसंद किया कि यूनेस्को हैज प्रपोज दैट टू बी आदाब टू बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। नवाब वाहिद अली शाह ने एक और इनटैंजिबल हेरिटेज दी, दैट इज द सेक्युलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस, लिबास।
द्रौपदी ट्रॉफी जो है ये नवाबाई अली शाह की ईजाद है। जो अमरखा है जिसको अमरखा अनफॉर्चर लोग कहते हैं वो भी नवाबाई अली शाह की ईजाद है। उस जमाने में उर्दू सलीस उर्दू और शीरी उर्दू में लोग गुफ्तगु करते थे, महफिलों में आदाब व तस्लीमात बजा ला रहे हैं और एक किस्म का लिबास पहने हुए हैं, खालिस अल्लवी होते थे। तो ये महसूस ही नहीं होता था कि ये कौन किस मतलब से काम करता है। ये हमारा लखनऊ है, ये जो गंगा जमनी तहसीब है ये असल में ईरान का गुलाब और हिंदुस्तान का कमर और उनकी खुशबुओं का मजमुआ है जो कि हमारी गंगा जमनी तहसीब है। हमने यहाँ के रस्म रवाज एक दूसरे से अपनाए, उनको जिया और आज भी राइज है। अगर आप ये देखें कि मुहर्रम में अज़ादारी जब होती है तो हिंदू किस तरह से आपको करबला में नज़र आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये दफ़न करने के लिए जब बड़े खोले जाते हैं और तो अपने छोटे छोटे बच्चों को इन गाहों में रखते हैं तो उनकी सेहत हो और उनकी उम्र का राज हो। जब दुर्बल जुलूस में निकलते हैं तो बच्चों को लेके उस दुर्बल के जुलूस से निकलते हैं और दुर्बल का झूठा मरीदा वगैरह अपने बच्चों को खिलाते हैं, उससे बरकत। फिर यहाँ पर जो हम लोग हैं इस तरह से दिवाली और दशहरा और मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और इसको कायम रखने के लिए हमें अपने मिजाज और अपनी ज़बान को काबू में रखना होगा। हमारा जो अख़लाक़ है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, एक दूसरों के साथ जो रवैया है, मोहब्बत है। अगर डॉक्टर मंखन्ना साहब इस तरह से यहाँ के ऊपर अपने पेशेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि यहाँ के आवाम के साथ रबता रखे हैं, इस तरह से सात साल की नवाएँ आप हर साल बांटते हैं और किस मोहब्बत के साथ हम यहाँ के ऊपर आते हैं, उनकी दवा भी है उसके साथ दुआ भी है। और हम डॉक्टर और बेहतरीन इंसानियत के साथ जो आप ये काम कर रहे हैं, सर्विस की उम्मीद थी सर्विस टू गॉड, जो इंसानियत की खिदमत है वही सही मायने में जाती है। और चूंकि फतौर के लिए इतनी बेहतरीन होगी डॉक्टर उमन करना साहब ने यहाँ पे छेड़ा की है कि हर मरज का इलाज यहाँ पर मौजूद है, दवाएं यहाँ पर मौजूद है, तो स्वस्थ बनिए और स्वस्थ भारत बनाइए। धन्यवाद। सम्मान डाल देता है कि वो उस पर रखाई नहीं रखता, और सम्मान एक ऐसी चीज है जो किसी भी दौलत से किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये एक गॉड गिफ्ट होता है जो ऊपर वाला किसी किसी को देता है जो इसका योग होता है। और हमारे डॉक्टर साहब इस चीज के लिए बेहतरीन इंसान है और जो ये कार्यक्रम करते हैं इसमें अपना तन मन धन से समर्पित है और बहुत दूर दूर तक हमारे डॉक्टर साहब का नाम है। और डॉक्टर साहब हम लोगों को नहीं भूलते किसी भी कार्यक्रम में, तो ये कार्यक्रम डॉक्टर साहब का ना हो के हम लोगों का पर्सनली हो जाए। हम लोग यहाँ आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपने आप को एक भाग्यशाली समझते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आज 15 अगस्त का जो ये दिन है हमारी देश का आज़ादी का दिन है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सबसे बड़े त्यौहारों पर के रूप में मनाया जाना चाहिए और हम लोग मनाते हैं क्योंकि हर हिंदुस्तानी के लिए है ये, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात धर्म इसका मायने नहीं रखता, ओनली ऑन भारतीय, खाली इंडियन हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये दिन सबसे बड़ा दिन है। और मैं ये मानता हूँ कि इसको अपने पर्सनल त्योहारों से बढ़ चढ़ के मनाइए, दुनिया को दिखाइए कि हम अपने भारत से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये भारत जो हमको मिला है ये आसानी से नहीं मिला है। ये भारत 1947 से पहले से लेके
पैदाली से पहले बहुत इसमें खून बहा है हमारे भारतीयों का, हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे बुजुर्गों का। तब जाके हमें ये भारत नसीब हुआ है, आजाद भारत। हमें इसका सम्मान करना चाहिए दिल से, हृदय से। और हम ये कहना चाहते हैं एक एक हिंदुस्तानी से, एक एक भाई से, कि अपने पर्सनल त्योहारों से बढ़ चढ़कर इनको मनाइए और लोगों में एक अच्छा संदेश दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ते ही बुलबुला हमारा। धन्यवाद, शुक्रिया। सरकारी स्टेडियम में जांच ला रहा है, इनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब को बहुत हम बहुत बहुत प्रोग्राम जो किया है उसकी बधाई देते हैं। और अवसर पर उन्होंने यहाँ बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन किया है और साथ ही फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम इस वक्त जो 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो हमारे नवाब साहब ने अवत का हुआ थोड़ा हमको इस बात का बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले के जो यहाँ हालात थे उनके बारे में बताया और इतने से बच के साथ ही हम इसके साथ ही हम अपने सब सम्मानित यहाँ पर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने प्रोग्राम को कामयाब किया और जनता भाजी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ का एक बात अधूरी रह गई थोड़ी सी, मैं उसको भी जोड़ देना चाहता हूँ। हमारे इरफान भाई या ऐसा व्यक्ति जिसको मैं शायरी को देता हूँ, तो ये मेरी गाड़ी जैसे होता है काम करने की तमीज तरीका, आप समझ गए। आप पैसा तो मैं देता हूँ लेकिन ये रंग मारता नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इरफान भाई जो है हमारे इरफान भाई को जो है आप बता देकर, क्योंकि सामने पार्किंग नहीं लगा देंगे मुझे पता है कार की लाइक नहीं चल रही। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई हमारे।
कि यह एक स्वास्थ्य का कार्यक्रम डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक पे संपन्न हुआ, जिसमें कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने हिस्सा लिया और समाज के उन लोगों ने भी हिस्सा लिया जिनको स्वास्थ्य सेवाओं की वाकई ज़रूरत है। कार्यक्रम में 7 लाख रुपए की दवा मुफ्त वितरित करी गई ज़रूरतमंदों को, जो कि हमारे उम्मीद संस्था के द्वारा दी गई, और डॉक्टर हसीब हाशमी द्वारा काकोरी से 1000 प्रोटीनेक्स के पैकेट डब्बे दिए गए, 1000 खाने के पैकेट प्याम इंसानियत ग्रुप के द्वारा दिए गए, और हमारे आमिर हनीफ साहब ने 1000 कोकोनट वाटर नारियल पानी की बोतलें इस क्लिनिक पर इस कार्यक्रम के लिए दी। आप सबका डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक आभार प्रकट करता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2019 को कर्मठ श्री हरिश्चंद कर्मठता सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें कि समाज में अच्छा कार्य करने वालों का हौसला बढ़ाया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि यह एक उत्सव के रूप में चला, स्वास्थ्य का कार्यक्रम उत्सव के रूप में चले ऐसा आप कम देखेंगे, लेकिन जो मरीज आए उन्होंने भी इंजॉय करा, जो दर्शक गण आए उन्होंने भी इंजॉय करा, जो अतिथि आए उन्होंने भी इंजॉय करा। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कराना है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगले 10 सालों में स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है। इसी के मद्देनज़र यह कार्यक्रम करा गया और आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। इसके कुछ छायाचित्र आपने इस वीडियो में देखे। कार्यक्रम में एक से एक देशभक्ति के तराने गाए गए हमारे भाइयों के द्वारा, समाज के हर वर्ग के द्वारा देशभक्ति के नारे लगे। क्लिनिक पे ऐसा अलौकिक समा इकट्ठा हुआ जो कि देखने लायक था, देखने काबिल था, और आप सब हमारी खास नादान महलोट की जनता इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वही इसका हिस्सा थी, वही इसका हीरो थी, और वही इसका जो है वह दर्शक थी। कार्यक्रम साथियों, यह हर वर्ष होता है और हर वर्ष हमारे साथ और तमाम लोग जुड़ते जाते हैं, और इसकी ऊर्जा पूरे साल हमारे साथ मिलती रहती है, जो कि मैं प्रयास करता रहता हूँ आप तक अच्छे से अच्छा काम हो। एक बार फिर जो अपने साथी इस कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने इसको तमाम मल्टीमीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं दूरदर्शन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की, जो कि हिंदुस्तान का न्यूज़ चैनल है, सरकार ऑथराइज न्यूज़ चैनल है, उसने इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज करी। मैं काजमी साहब को, जो कि इनकलाब मीडिया के एडिटर साहब हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की बृहद कवरेज करी, और यह जश्न के रूप में मनाया जाने वाला यौम आज़ादी का कार्यक्रम एक उत्सव की तरह मना, और यह 8 घंटा कार्यक्रम चला। एक बार फिर मैं सारे अतिथियों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं कि वह इस अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा बने, अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ रहे। धन्यवाद। अब अजान हो रही है, मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सबको पुनः इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए धन्यवाद दूंगा।